नगर निगम धर्मशाला के मेयर ओमकार नेहरिया ने कहा कि निगम के मर्ज एरिया में जहां ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते झाड़ू तक नहीं लगता था, वहां अब 17-17 लोग सफाई कर रही हैं। मर्ज एरिया में पिछले 5 साल में अब तक 10-10 करोड़ के विकास कार्य हो चुके हैं। मर्ज एरिया के लोगों द्वारा विकास को लेकर उठाए जाने वाले सवालों पर मेयर ओमकार नेहरिया ने यह बात कही। मेयर ने कहा कि पहले मर्ज एरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ू भी नहीं लगता था, लेकिन जब से यह क्षेत्र नगर निगम में शामिल हुए हैं, तब से एक एक वार्ड में 17-17 लोग सफाई के लिए लग रहे हैं। नगर निगम के मर्ज एरिया में पिछले 5 सालों में 10-10 करोड़ का काम हो चुका है। हो सकता है कि मर्ज एरिया के कुछ लोग खुश ना हो, लेकिन अब मर्ज एरिया के वार्डों में किस तरह से सफाई क्षेत्र में काम हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। मेयर ने कहा कि स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान के तहत नगर निगम धर्मशाला के सभी 17 वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया है। निगम ने निर्णय लिया है कि सभी वार्डों में 15 दिन में एक दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा तथा स्थानीय वार्ड के लोगों की भी इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। डोर टू डोर से किस तरह से कूड़ा निगम द्वारा उठाया जा रहा है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। धर्मशाला वार्ड नंबर 1 से लेकर 17 तक जो अभी हमने स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल के तहत जो अभियान चलाया था, हर वार्ड में सफाई की है और आगे जो हमने सोचा कि सभी वार्डों में 15 दिन में एक बार सफाई करनी और जितने भी हमारे उस स्टेक होल्डर जो रहने वाले आदमी वहाँ पर उनको भी इन्वॉल्व करना, क्योंकि हम डोर टू डोर जो प्रोसेस चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और आगे इसको चलाने के लिए लोगों को भी थोड़ा अवेयर करना पड़ना कि कैसे हमने डोर टू डोर जो है वो कूड़ा लेना है हमने, तो इसको इसमें हम जितने भी हमारे गांव शहर वासी है उनको भी साथ लेकर उनको भी उसमें अभियान में साथ चलाना है। मर्ज एरिया की जो जगह है उनके लोगों का ये आरोप रहता है कि जो मर्ज एरिया है उनकी ओर नगर निगम ध्यान नहीं देती, तो उनको किस तरह से आगे अभी मैं मर्ज एरिया में वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 12 में प्लांटेशन करके आए, वो इतने बढ़िया काम हुए हैं कि जो स्मार्ट सिटी में जब से वो हमारी नगर निगम में आए हैं, इससे पहले जब वो पंचायत में थे तब तो वहाँ पर कभी झाड़ू भी नहीं लगता था, आज एक एक वार्ड में 17-17 आदमी जो है वो सफाई के लिए स्वीपिंग के लिए लगे हुए हैं। चलो कुछ आदमी बोलते हो तो आपके माध्यम से मैं आज ये उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके वार्डों में आज 5 साल में कम से कम 10-10 करोड़ का काम हो चुका है और सफाई जो है वो डोर टू डोर भी चली हुई है और स्वीपिंग भी चली हुई है और जो अंडरग्राउंड डस्टबिन है वो भी चले हुए हैं। हो सकता कोई इसमें खुश ना हो, वो हमारा एक नंबर है, ऐप है, वो मैं आपके माध्यम के सभी को ही बता दूंगा कि उसका नंबर क्या है, वो भी आप अभी थोड़ी देर में मैं आपको दे देता हूँ जी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।